यदि आपको करेले की सब्जी पसंद है तो आप एक बार इस तरीके से भरवा करेला बनाकर देखें, बहुत ही अमेजिंग लगता है, बहुत ही टेस्टी और बनाना तो बहुत ही आसान है। यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। स्टफ्ड करेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम करेला लिया है। मैंने इसे अभी तक धोया नहीं है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि करेले के दोनों एंड्स को ऐसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे करेले के दोनों एंड्स को मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि पीलर से या नाइफ से करेले को छील लेंगे। करेले को छीलना इसमें ऑप्शनल है। यदि आप कड़वा खा सकते हैं तो आप करेले के छिलके को ना निकालें, क्योंकि करेले के छिलके में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप चाहें तो इसे बिना छिले भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे करेले के छिलकों को हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि छिलका अलग कर लेंगे और करेले को अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पानी से धो के अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि नाइफ से इसे ऐसे चीरा लगा देंगे, तो एंड्स इसके जुड़े रहें, बस हल्का सा चीरा लगा दें ताकि हम इसमें मसाला अच्छे से स्टफ कर पाएँ। चीरा लगाने के बाद इसके अंदर के जो बीज है इसे हम निकाल लेंगे। अंगूठे से या स्पून से करेले के बीज को ऐसे निकाल लेंगे और ये देखिए करेले के बीज को हमने निकाल लिया है। करेले के बीज को हमें फेंकना नहीं है, इसे हम मसाला बनाने में यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से आप करेले के बीज को निकाल लें और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें नमक लगा के रखेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं करेले के बीज अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर करेले के बीज को मैंने अलग रख दिया है। अब हम प्लेट में थोड़ा सा नमक ले लेंगे और करेले में अंदर की तरफ और आगे पीछे दोनों नमक लगा के रखेंगे। तो नमक लगाने से क्या होता है कि कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो नमक लगाने से इसकी कड़वाहट पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होगी, बस थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक नमक की अच्छी सी कोटिंग मैंने करेले में लगा दी है। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक हम क्या करेंगे कि करेले में स्टफ़ करने के लिए एक मसाला बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे ढक देती हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। स्टफिंग के लिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने 3 इंच अदरक ली है, 10 से 12 लहसुन लिया है। जार का ढक्कन बंद करके इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा अदरक लहसुन हमने पीस लिया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसके बाद ये जो हमने करेले के बीज निकाल के रखे थे इसे पीस लेंगे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ये मैंने 2 बड़े प्याज काटे हैं। तो ये मैं 2 से 3 बड़े चम्मच प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे करेले के बीज के साथ पीस लेंगे और ये जो बाकी बचा हुआ प्याज है इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जार का ढक्कन बंद करके इसे हमें दरदरा पीसना है। ध्यान रहे कि इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाएं, बस मिक्सर चलाएं, बंद करें, ऐसा आप 2 से 3 बार करें और इसे हल्का दरदरा पीस लें। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसे हल्का दरदरा पीस लिया है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि करेलों को पानी से अच्छे से धो लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो गया है, मतलब कि कड़वापन नमक ने अब्सॉर्ब कर लिया है। करेले को हमें फ्राई करना है, तो पानी से अच्छे से धोने के बाद इसे किसी पेपर किचन टॉवल या फिर आप सूती के कपड़े से इसे अच्छी तरह पोंछ लें। तो यदि करेले में थोड़ा भी पानी रहा तो फ्राई करते वक्त तेल के छींटे उड़ेंगे, तो इसे अच्छी तरह पोंछ लें। यहाँ पर ये मैंने सारे करेलों को अच्छी तरह पोंछ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो करेले को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल में सब्ज़ी का बहुत अच्छा स्वाद आता है, लेकिन यदि आपको नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1/4 कप सरसों का तेल डाला है पैन में। तेल को पहले अच्छी तरह गर्म हो जाने दें और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लें और जब तेल हल्का गर्म रहे तब आप उसमें ये करेले डालें। तो एक बार में जितने करेले आ सके आप उतने ही पैन में डालें। यदि आप बड़ा पैन इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा तेल डाल के, तो आप एक बार में सारे करेले एक साथ फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ऐसे लगातार पलटते हुए फ्राई करें। तो करेले को हमें अच्छी तरह यहीं पर फ्राई कर लेना है। तो यदि आपको ये तरीका नहीं अपनाना है तो दूसरा तरीका ये है कि करेले को पहले आप स्टीम कर लें या फिर कम तेल में फ्राई कर लें, मसाला स्टफ़ करें और उसके बाद आप फिर से करेले को पका लें। तो ये वाला तरीका जो है ज़्यादा आसान है। आप एक बार इस तरीके से भरवा करेला बना कर देखिए। बस करेले को फ्राई करना है और उसके बाद मसाला स्टफ़ करना है। तो करेले हमने फ्राई कर लिए हैं।
अब हम क्या करेंगे कि मसाला बनाएंगे, तो ये जो बचा हुआ तेल है इसमें मैंने 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना डाला है, इसे हल्का फ्राई कर लें और उसके बाद ये जो अदरक और लहसुन हमने पीसा था इसे डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 1.5 से 2 मिनट भून लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करेले के बीज और प्याज जो हमने पहले से पीस के रखा है। मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन के साथ भून लें। जैसे ही ये भुन जाए हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है, तो ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक टुकड़ों में काटा है। थोड़ा सा मैंने करेले के बीज के साथ पीसा था और बाकी का बचा हुआ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन आइडियली भरवा करेले में टमाटर का यूज़ नहीं होता है। मसाले डाल देंगे, तो ये मैंने 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। सौंफ का स्वाद भरवा सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है किसी भी भरवा सब्ज़ी में, तो सौंफ का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। तो मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच, आप चाहें तो रेगुलर वाली लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने 1.5 चम्मच आमचूर का पाउडर डाला है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट इसे अच्छी तरह पका लेंगे। तो मसाला जैसे ही अच्छे से पक जाएगा हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह ठंडा हो जाने देंगे। यहाँ पर मसाला हमने अच्छे से पका लिया है, गैस का फ्लेम हम यहाँ ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह ठंडा हो जाने देंगे। तो मसाला जैसे ही ठंडा हो जाएगा हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर मसाले को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे करेले में स्टफ़ करेंगे। तो है ना ये एकदम आसान तरीका, बस आपको करेला फ्राई करना है, स्टफिंग के लिए मसाला बनाना है और उसके बाद करेले में ये मसाला स्टफ़ करना है। बहुत ही आसान तरीका है ये भरवा करेला बनाने का। आप एक बार इस तरीके से भरवा करेला बनाकर देखिए, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे आराम से फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो आप इस टेस्टी भरवा करेले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में आप कॉमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको सारी नोटिफिकेशन मिलें।